Good morning, children. Welcome back. Welcome back, you all, to lesson 9. मैं सिम्मा हूँ पार्ट 2. आप सबको मैं सिम्मा हूँ भाग 2 में स्वागत है. Good morning, children. Welcome back to lesson 9. आप सबको पार्ट 9 में स्वागत है. पार्ट 9 का नाम क्या है बच्चों? मैं सिम्मा हूँ. क्या है? मैं सिम्मा हूँ. तो इसमें क्या पढ़े हैं बच्चों? सिम्मा अपनी, ये कौन सी विधा पाठ है बच्चों? ये आत्मकथा विधा पाठ है, यानी कि सिम्मा अपने जीवन के बारे में बता रही है. क्या बता रही है? कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, उसको कौन लाया है सिम्मा. तो उसका जीवन कब पहले, यह उनका श्रेय सिम्मा लाने के श्रेय भारत में, सिम्मा ला ये विदेश में उसका जन्म हुआ. और इसको भारत लाने का श्रेय माने क्रेडिट किसको जाता है बच्चों? उनके पिता माँ दादा साहेब फाल्के जी ने. तो यह इनका कब हुआ? 1930 में. कौन सा फिल्म निकाला गया बच्चों? राजा हरिश्चंद्र के नाम से सबसे सिनेमा को सबके सामने लाया गया. और यह इसके क्या है, ये एक मूकी फिल्म है, डायलॉग विदाउट डायलॉग्स. तो बच्चों एक्चुअली एक व्यक्ति थे जिसका नाम थे अर्शदेव रानी. वो क्या देखे, वे हॉलीवुड के यानी कि इंग्लिश फिल्म क्या था बच्चों? शोबोट. शोबोट को देखकर उसने क्या किया, वे अपने भारत में भी क्यों ना ऐसे फिल्म डायलॉग संवाद माने डायलॉग से भरा हुआ सिनेमा. तो उन्होंने क्या, आलमारा. कौन सा नाम है बच्चों? 1931 में उन्होंने 14 मार्च 1931 में यह कौन सा, आलमारा का फिल्म डायलॉग अलॉन्ग विद डायलॉग सॉन्ग्स म्यूजिक सभी से रिलीज किया है. देखिए ये कौन है बच्चों, ये चित्र में आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये कौन है, दादा साहेब फाल्के जी ने. इन्होंने ही विदेश से भारत में सिनेमा लाने का श्रेय माने क्रेडिट गोज टू हिमोली, यही सबसे पहले व्यक्ति थे जो उनको आइडिया आया क्यों ना हम भारत में भी सिनेमा को, क्यों सिनेमा एक मनोरंजन का साधन है, एक एंटरटेनमेंट, इट इज़ एन एंटरटेनमेंट इजंट इट. व्हेन वी ऑल विल गेट टायर्ड वी वांट टू एंजॉय समथिंग, सो वेयर विल गो चिल्ड्रेन, टू द थिएटर्स टू वॉच द फिल्म. देखिए ये है दादा साहेब, उन्हीं के नाम से यह पुरस्कार. इट इज़ वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड विच विल बी गिवन टू द मोस्ट सीनियर एक्टर हु हैज डेडिकेटेड हिज लव होल लाइफ इन द इंडियन सिनेमा. आपको समझ में आ गया बच्चों, यही है अवार्ड जिसको सब जो बहुत ही उच्च उत्तम नटी, इट मे बी गिवन टू द मेल और फीमेल, दे विल सी द होल देन दे विल गिव दिस अवार्ड. तो बच्चों अभी आगे चलते हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है. सिनेमा में कितनी भी प्रशंसा क्यों ना करें, मैं किंतु मेरा निर्मात तो मनुष्य ही है, उसी ने मुझे निर्जीव से सजीव बना दिया. कभी मैं मूक था तो उसने बोलने की क्षमता भर दी, रंग भी भर दिए, मेरे जीवन में बसंत भर दिया. तो क्या बोल रहे हैं सिनेमा, उसको प्रशंसा कौन कर रहा है, निर्माता को. क्यों, निर्माता कौन होता है, हम इंसान ही होता है. तो उसने क्या किया, निर्जीव से सजीव माने पहले मूक था माने विदाउट डायलॉग्स. तो क्या अच्छा लगता है क्या बच्चों आपको, विदाउट डायलॉग्स विल गो फॉर फिल्म, नोबडी विल गो. तो उसने क्या किया, निर्माता ने उसमें बोलने की क्षमता भर दी, मीन्स बोलने की क्षमता माने डायलॉग्स और रंग. फर्स्ट इन इट वॉज फुल ऑफ ब्लैक एंड वाइट, इजंट इट, इट वॉज फुल ऑफ ब्लैक एंड वाइट. फिर इसमें रंग भर दिए माने देन केम कलर फिल्म्स. देखिए ओल्ड फिल्म्स में देखिए कैसे होते हैं, जैसे गाने भी, फिर उसमें म्यूजिक कौन सा रखा था बच्चों, सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत कम थे, जैसे उस समय तबला वायलिन हारमोनियम, इन तीनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स था. और जो गाना हीरो थे उनको ही गाना पड़ता था और हीरोइन को भी खुद गाना पड़ता था, नो म्यूजिक नो बैकग्राउंड फाइट्स, ऐसे नहीं थे. अभी भी हम देख के ओल्ड फिल्म जब देखा जाए तो कलर आप बैठोगे क्या, जब ओल्ड फिल्म आएगा मम्मी पापा देखेंगे, पर दादा दादी नाना नानी को ही जो भी हो उन लोग देखे, पर आप देखेंगे क्या, उठ कर चले जाओगे हैं, क्यों आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन ओल्डन डेज नो नाउ यू सी ऑल वेस्टर्न म्यूजिक. अभी सिनेमा को जाओ इतने गाने होते हैं, इतने म्यूजिक होता है, क्या गा रहे हैं वो भी कभी कभी समझ में नहीं आता. इजंट इट व्हाट दे सिंग वी कांट अंडरस्टैंड, व्हाई, बिकॉज ओनली वी कैन हियर द म्यूजिक ड्रम्स साउंड. क्योंकि आजकल जो टेक्निक है, न्यू टेक्निक्स हैव बीन इंक्रीज, सो द फिल्म दे शो हाउ ब्यूटिफुल इजंट इट द हीरो हीरोइन, वी कैन सी दे लुक वेरी ब्यूटिफुल, हाउ दे लुक ओनली विद द हेल्प ऑफ कैमरामैन्स.
इजेंट इट। तो देखिए ये सिनेमा क्या बोल रही है, इसमें दो अगला देखिए, मुझे सभी हाव भाव देखने को मिलते हैं, मुझ में हास है तो दुख भी है, मुझ में कल्पना है तो प्रेरणा भी है, किंतु मुझे बनाने में कई लोगों का योगदान होता है। तो देखो व्हेन वी गो फॉर फिल्म एंटरटेनमेंट व्हाट ऑल थिंग हाव भाव मीन्स व्हाट आर द कैरेक्टर्स वी कैन सी, इमोशनल सीन्स वी कैन सी, देन वी कैन सी कॉमेडी विल बी देयर, सैड सीन्स विल बी देयर इजेंट इट, एंड समटाइम्स फाइट्स विल बी देयर, सॉन्ग will be there, beautiful beautiful sceneries will be there, sometimes it will the show if we go some stories are some they'll take out real stories, some they'll take imaginary stories, isn't it? Sometimes what will happen in the future nobody knows, but they will imagine why the future may be like this, isn't it? Sometimes some films they give us knowledge. If you go you see epic film like you see if you go sometimes they have taken out Mahabharata, Ramayana epic film, oh great great kings ke films, oh while seeing that we can notice if we go for Rudram Devi, oh we doesn't know, only we have read in books, but they are showing in the theaters, you see, oh the Rudrama might be like this, she have fought like this. So this all what we are seeing children, we are seeing through the film only. So what they are giving, they are giving us knowledge, isn't it? Some films they are oriented films with there, some they'll be only for entertainment, and some they will give us good good messages also, isn't it? You see you help the poor, isn't it? Sometimes the evil films will be there, so sometimes suspense films will be there. So what children, all types of different different characters, isn't it? Different different of characters are, and they'll be thinking after a good film is decided, they'll think who is fit for it, isn't it? All count for some, they will select to whom this will be given, and if they will do it, how much hit will become, isn't it? When they are taking film, a lot of money will be invested, isn't it? So sometimes this film will be click, then super hit, they will get money. If it flops, what will happen? Whatever they invested, what will happen? They will become loss, isn't it? तो देखो बच्चे, तो जब सिनेमा सिनेमा बता रही है, क्या बता रही है, जब सिनेमा बना रहे हैं तो सभी एक एक को ऐसे कैरेक्टर जैसे ओ ही इज फिट फॉर कॉमेडी, यू सी ब्रह्मानंदम आली, देर मेनी हीरो दिस दे आर फिट फॉर सर्टन रोल्स। तो अभी अगले क्या बता रही है, कहानीकार एक अच्छा अच्छे कहानी लिखता है, निर्माता उस कहानी को खरीदता है, निर्माता मुझे बनाने के लेकर सिनेमाघरों तक पहुँचाने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो children you see each one will be music for a film, dialogues writers will be different story, so for first making a film what is the most important thing, story should be there, and the story what it should be, it should be a good story, sometimes it should, the story should be, we should learn something from that film, isn't it? So what you'll do, this Kahan, this to the seller, the person who writes the good story, what he does, he sells the story to who, producer, and he buys it, and now what he will do, then he go for the director, who is the director who directs the film, he will select producer, no doubt he invests the money, but he needs a person who will take out, who directs in a good way, isn't it? All can't do, so they'll be selecting the person according to the story, then they'll select the hero, then they'll select the heroine, another important person who, villain, for every film there will be a villain, isn't it? Yes sir, no children, yes, then they'll select the villain who is suitable for that, then what will, then songs, music director is required, isn't it? Then fight master is required, why? Because in every film fighting should be there, without these all nobody will go, yes sir, no children. So like this, then after all seeing, then the film will be taken out, then they'll check once whether the film is correct or wrong, if any part is left over, again they'll remake it. So it is a very big process children, ye cinema banane ka koi aasan tareeka nahi hai. Then at last when then redubbing will be there, now at present hero heroine they don't know language, so a dubbing artist is required, they'll be telling, and the lip movement for that what you should there, what they will do children, editing will be done. So in this all way, and at last these producers, they'll release the films in the theater. And now another main important thing, the film क्या बच्चा रहे, वॉट इट इज़ एम्बिशन, उसकी इच्छा क्या है बच्चों, सभी खुशी से देखे, दुनिया में अच्छी और बुराई दोनों भी है, उसी तरह से मेरे अच्छे बुरे दोनों रूप है, मेरा निवेदन है कि मेरी अच्छाई को स्वीकार करो, मुझे सिनेमाघरों में ही देखो, आजकल कुछ लोग मेरा पायरेटेड
मने क्या है, चोरी हुई फिल्म रूप देख रहे हैं, मुझे इस तरह बिल्कुल ना देखे। इस तरह देखने या दिखाने दोनों कानून पर अपराध है, इसलिए पायरेसी मने चोरी सीडी ना देखे, ना तो खरीदे और ना ही बच्चे देखे ना ही बेचे। बच्चों मुझे तुम मुझे उतना ही देखे जितना मुझे पसंद मिले, आनंद मिले। आशा करता हूँ कि मेरी यह बात अवश्य मानेंगे। तो बच्चों देखे सिनेमा क्या बन रहा है, सिनेमा में अच्छा ही वो होता है बुराई भी होता है। मैंने एनी थिंग इफ यू गो फॉर इंडिविजुअल अ पर्सन, गुड क्वालिटीज विल बी देयर, बैड क्वालिटीज विल बी देयर। सो वेन यू वॉच द फिल्म ओनली लर्न गुड हैबिट्स, डोंट गो टू द बैड वन। तो कहाँ देखना है फिल्म, कहाँ मजा आता है, सिनेमा घरों में। कुछ लोग ऐसा करते हैं जब सिनेमा चल रहा है तो क्या करते हैं, चोरी से सेल में निकाल देते हैं, है ना, तो ऐसे ही होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, पायरेसी बोलते हैं। तो बोल रहे सिनेमा मुझे छू ऐसे मत देखो, पूरे आपको देखना है तो थिएटर में जाओ। तो ऐसे देखने वाले दोनों ही अपराध हैं बच्चों, है ना, चोरी हुई फिल्म देखने या खरीदने में दोनों ही अपराधी होते। देखना भी अच्छा बुरी ना बात है और खरीदना भी बुरी बात है, बोथ आर रॉन्ग। सो सिनेमा इज रिक्वेस्टिंग प्लीज डोंट डू दैट, इजेंट वाई, बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द सिनेमा मेकिंग। वाई, बिकॉज इफ यू नो द फिल्म इजेंट इट, बिफोर ओनली एनी बडी विल गो, वी डजन विल नो विल थिंक नो वेन नाउ एट प्रेजेंट वेन वी आर गोइंग टू थिएटर इट इज़ अ मनी। वाई, बिकॉज टिकट्स आर टू हाई एंड इफ यू गो देर वी यू लाइक टू ईट समथिंग वॉचिंग ईट समथिंग एंड वॉचिंग द फिल्म इज इंट इट सो इट टेक्स ऑफ दम लॉट ऑफ मनी। बट नाउ सो इफ यू टेक द सी डी, इफ यू बाय द सी डी एंड सी एट होम, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ओनली विल बाय द सी डी, बट द फिल्म सिनेमा इट इज़ रिक्वेस्टिंग प्लीज डोंट डू दैट। इफ यू वॉन्ट टू एन्जॉय, इफ यू वॉन्ट टू री इफ यू वॉन्ट टू सी मी, प्लीज गो टू द थिएटर्स एंड सी, डोंट सी लाइक दैट। तो बच्चों मुझ में उतना ही देखे जितना तुम्हें आनंद मिलता है, यू गो टू फिल्म्स, यू एन्जॉय इट, बट डोंट डू like this. Why? Because in a film the good qualities will be there, why, like every person individual will be having good qualities as well as bad qualities. So if you go in film, you see hero heroine will there, some emotional will be said, oh the hero brought up like that, how much hard work is there. So villain character, villain all negative roles will be doing, and hero he'll be helping the poor, where this villain fellow he wanted to cheat the people, isn't it? So like this all it'll be shown, they'll be shown. But that cinema, what it is required, why? Because in film, all qualities will be there. All qualities will be there. But was in the film, it is requesting, वो क्या, वो अपना निवेदन, अपनी इच्छा बता रही है, देखिए आपको अच्छा ही सिनेमा देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप उसे जो जो भी अच्छे चीज़ें हैं उसी को सीखें, और बुराई को जहाँ देख रहे हो पर्दे पर वहीं पे तो छोड़ो। वाई, बिकॉज दे विल बी शोन ऑन स्क्रीन, सो वॉट बैड सीन्स आर बीन शोन, क्वालिटीज ऑफ विलन लेदर दैट शोन, यू लीव इट देयर ओनली, सी एंड फॉरगेट इट, डोंट take those in your mind. What you have to see, what is the message this film has given, what did you learn from seeing it, you just take it into them, consider, isn't it children? And another, what is another request it is doing, don't see the films, पायरेटेड फिल्म्स। व्हाट इज़ इट पायरेटेड, यहाँ का अर्थ हुआ चोरी की हुई फिल्म। ये चोरी के मतलब क्या होता है, जस्ट यू सी वॉचिंग द फिल्म बाय द कैमरा नाउ, वाई, बिकॉज ऑल वी आर हैविंग कैमरा सेल फोन एंड इन दैट वी आर हैविंग कैमरास, इज़न्ट इट, एंड विद दैट जस्ट इफ यू ऑन दैट द एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड, isn't it? So what you want, keep quiet, you'll go and you'll tell your friend, you see I have brought the film. So what that your friend will do, oh you have brought up, please give me, I will also see, isn't it? Now you'll take everybody in your family, you'll sit and you'll watch it. Now you'll ask mama, please take to the theater. What mommy will tell, just now we have seen on TV screen, isn't it? Again, why to say we have brought the CD and we already seen, again why to go to theater and waste your money, isn't it? So like that. Why? Because of now nobody, all of the almost all people will do like this. Then what about the theaters, isn't it? Nobody will buy the ticket, yes sir, no children. तो इसलिए बता दो, मैं इस पार्ट मैं इस सिनेमा में क्या बता रहे हैं बच्चों, पायरेटेड फिल्म देखना और दिखाना दोनों कानून अपराध है, इसके बढ़ावा ना दे। सी लाइक दैट पायरेटेड मीन्स व्हाट, पायरेसी फिल्म्स सीइंग एंड शोन बोथ आर अगेंस्ट द लॉ, इजंट इट, एंड वी शुडंट एनकरेज देम, दिस इज द रिक्वेस्ट ऑफ द फिल्म।
ओके चिल्ड्रेन, सो इस पार्ट में क्या पढ़े हैं बच्चों, इस पार्ट में हम यही पढ़े हैं कि सिनेमा अपना जीवन कहाँ से उसका आरंभ हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ, तो हमने पहले ही बता दिए जो सिनेमा बोलने वाला सबसे पहला सिनेमा आलम आरा है, इसने अरशद ईरानी उन्होंने क्या देखा फिल्म हॉलीवुड फिल्म शोबोट देखकर उनके मन में इच्छा जाग हुई कि हम भी भारत में एक ऐसा फिल्म बनाए जहां पर डायलॉग्स बोलना बोल सकते हैं, और उसमें आलम आरा का हीरो था विठल और हीरोइन था जुबेदा। और मैंने कह दिया ना बच्चों, आप पुराना ज़माने में देखा जाए तो उस फिल्म में हीरो तो उन्हीं को डायलॉग बोलना था और उन्हीं को खुद गाना गाना पड़ता था, और यह फिल्म जब बॉलीवुड में मुंबई में रिलीज़ किया गया तो पूरा 8 हफ्ता 8 वीक्स इट वेंट ऑन फुल हाउसफुल। वाई बिकॉज इन इंडियन सिनेमा इट वॉज़ द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सिनेमा। वाई बिकॉज द फर्स्ट फिल्म वॉज रिलीज्ड कॉल्ड आलम आरा इन 14th March 1931। तो बच्चों और सिनेमा क्या बोल रही है, सिनेमा में सभी प्रकार कैरेक्टर्स विल बी देयर बट यू हैव टू लर्न व्हाट इज़ गुड, व्हाट मैसेज, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट फिल्म, यू हैव टू गो इन अ करेक्ट वे रादर देन रॉन्ग वे। ओके चिल्ड्रेन, ओके थैंक यू।